आप मेहनत लगा के आप अच्छे से काम करोगे तो आपकी सैलरी 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 50-60 हज़ार आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से। बट ये जो बोलते हैं ना कि ये जो प्रोग्राम है ना ये स्पेशल उनके लिए। अब किनके लिए, तो बात आता है कि जैसे मैंने MCA किया हुआ है ना, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो क्या मेरे लिए वो ठीक है? BCA कर चुका है ना, या फिर अगर कोई ग्रेजुएशन किसी भी लेवल का ग्रेजुएशन कर चुका है, तो क्या उसके लिए ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं HCL का जो फर्स्ट कैरियर का प्रोग्राम है उसके बारे में। या दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा इससे रिलेटेड कमेंट्स क्वेरीज आए हैं। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि ये क्या होता है, ये करना सही है या नहीं है, इसके आगे कैरियर का क्या ग्रोथ है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं HCL फर्स्ट कैरियर के बारे में, क्योंकि सबको ये बात पता नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि शायद ये करने से उनके साथ धोखा होगा, या फिर कब उनको करना चाहिए, है ना, 10th के बाद करना चाहिए कि 12th के बाद करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में यही बताऊंगा आपको कि आपको कब ये कोर्स करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। मैं अगर नहीं करना चाहिए तो मैं स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करूँगा, और कब नहीं करना चाहिए ये भी बताऊँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखो, मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे वो देखें शेयर करने के माध्यम से, और कोई गलत डिसीजन ना ले, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है HCL फर्स्ट कैरियर। तो HCL फर्स्ट करियर एक समझ लो एक रास्ता है, एक जरिया है उन बच्चों के लिए जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, है ना, जो चाहते हैं तो है कि हम बहुत अच्छे कंपनी में जॉब करें और हमको भी अच्छी सैलरी मिले, हम भी एक रिपीटेड जो बोलता है ना रिपीटेड ऑफिस में काम करें। तो ये सारी ख्वाहिशें हैं जिनकी, बट वो कर नहीं पाते। उनके सामने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं ना, ऐसा बोल सकते हो आप कि मतलब आप चाहते तो हो बट आप कर नहीं सकते हो ऐसा। तो उनके लिए फर्स्ट कैरियर बहुत ही अच्छा ही है प्रोग्राम, जो भी बोल सकते हैं। अब किनके लिए, जो बात आता है कि जैसे मैंने MCA किया हुआ है ना, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो क्या मेरे लिए वो ठीक है? जी नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर मैं जॉब नहीं भी कर रहा होता तो मेरे लिए वो ठीक नहीं है। अगर कोई BCA कर चुका है ना, या फिर अगर कोई ग्रेजुएशन किसी भी लेवल का ग्रेजुएशन कर चुका है, तो क्या उसके लिए ठीक है? जी नहीं, उसके लिए बिल्कुल भी ये प्रोग्राम ठीक नहीं है। तो फिर ये प्रोग्राम ठीक किसके लिए? तो मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए ठीक है जिन्होंने 12 किया है। जी हाँ, जिन्होंने 12 जस्ट कम्प्लीट किया है और अगर चाहते हैं अपना ग्रोथ IT में डेवलप करना, अपना कैरियर ग्रोथ करना चाहते हैं वो भी IT में, तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 12 के बाद किसी के एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, किसी का कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि मुझे डायरेक्ट 50,000 कमाना है, 40,000 कमाना है, क्योंकि उस लेवल तक जाते जाते ऑलरेडी, अब सोचो ना, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद इस लेवल पर आया हूँ, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन भी नहीं किया, अगर आपने 12 से ही ये ज्वाइन कर लिया, तो जो भी है इनका ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको सैलरी, मतलब आप अर्निंग करने लगोगे, है ना। अर्निंग करने के बाद आप फिर ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो, मतलब आपके पास 5 साल का टाइम है अपने कैरियर को ग्रोथ करने के लिए। आप सोच सकते हो कितना सही है। 12 के बाद आप क्या करोगे? ग्रेजुएशन करोगे। अगर आप 12 के बाद ही इसको ज्वाइन करते हो तो बहुत ही अच्छा है। देखो अभी क्या होता है ना, जब आप इसका प्रोसेस बताता हूँ, होता क्या है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, 3 महीने की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होता है ना। अब 12 जिन्होंने किया उनको उतना नॉलेज नहीं होता है कंप्यूटर का, तो सबसे पहले कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होता है, मतलब बेसिकली कंप्यूटर का ही नॉलेज होता है, कैसे यूज़ करना है वर्ड एक्सेल पूरा, मतलब जो ऑफिस डे में ऑफिस टाइम पे आपको यूज़ करना है उसकी ट्रेनिंग मिलती है 3 महीने में। और वो 3 महीने में ट्रेनिंग मिलने के बाद जो है वो आपको फिर जॉब प्रोफाइल, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको फिर जॉब मिलेगा। बट वो 3 महीने के बीच में आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये किसको अच्छा लगेगा, ये कौन कर सकता है? जिन्होंने ग्रेजुएशन
कंप्लीट नहीं किया है, जिन्होंने अभी जस्ट 12 किया है, उनको पैसे को लेकर कुछ नहीं है, लेकिन अब जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, वो 3 महीने फ्री में नहीं दे सकता, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, उनके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है, और बहुत सारे लोग भी रहते हैं बोलने वाले कि अरे यार ग्रेजुएशन कर लिया, अभी तक कुछ कमा नहीं रहा, जॉब वॉब एंड ऑल सब चीज़। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ 12 वालों के लिए अच्छा है, बिकॉज उनके पास चांस है, वो 3 महीने उनके लिए कुछ नहीं लगेगा। और 12 करने के बाद वैसे भी लोग 2-3 महीने तो ऐसे ही निकाल देते हैं एडमिशन लेने में, है कि नहीं। तो आप 3 महीने इसमें ट्रेनिंग तुरंत 12 हुआ कि ज्वाइन कर लो इसको और ट्रेनिंग ले लो 3 महीने का। 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद आपको मिनिमम सैलरी जो है वो 17 से 18 हज़ार मिलेगा। अब तुम बताओ, 12 किया तुमने और तुम 17 से 18 हज़ार कमा रहे हो, तुम सोचो कि 5 साल के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो सोच लो, अगर आप मेहनत लगा के आप अच्छे से काम करोगे तो आपकी सैलरी 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 50-60 हज़ार आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से। बट ये जो बोलते हैं ना कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये स्पेशल उनके लिए। अब जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद किया है, तो वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बाहर जॉब नहीं है, है ना, बाहर जॉब। तो उनके लिए मैं बोलूँगा ये प्रोग्राम आप ज्वाइन मत करो, आप उससे अच्छा कोई सर्टिफिकेशन कर लो, है ना। बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, AWS का कर लो या टेस्टिंग का कर लो, प्रोग्रामिंग नॉलेज उतना अच्छा नहीं है या फिर उसमें नहीं जाना है तो टेस्टिंग का कर लो, है ना, QA का कर लो, बहुत सारे AWS अभी क्लाउड का बहुत चला हुआ है, वो कर लो कुछ करके। फिर बहुत सारी कंपनियां जो ऑफर दे रही है फ्रेशर को, तो आप उधर कर लो, उधर से 1 साल का एक्सपीरियंस लो। अगर आपने वहां से 1 साल का भी एक्सपीरियंस लिया तो HCL ओपन है सबके लिए, 1 साल का एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके आओ, HCL में लग जाओ, फिर वो प्रोग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आप 12 करके जाना चाहते हो तो आपके लिए परफेक्ट है, आप बिल्कुल जाओ, वेलकम है। और अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके ऐसा सोचा है कि ये करूँ कि ना करूँ, तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा बिल्कुल मत करो इसको, ये बहुत ही बेकार है। तो उससे अच्छा है तुम कोई कोर्स करो, कोर्स करने के बाद जाओ और कहीं पे 6 महीने 1 साल का जॉब करो, इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप का जॉब कर लो, हो जाता है HCL में। उसके बाद भी मैं बताऊँगा कैसे क्या है उसका प्रोसेस, जिससे जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो HCL में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए भी बताऊंगा, बनाऊंगा वीडियो। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक तो पहुंचाना पड़ेगा। 100 लाइक हुए इस वीडियो को तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ इस वीडियो को पसंद करने वाले लोग हैं। अगर पसंद ही नहीं करोगे तो वीडियो बना के क्या करूँगा। तो आई होप आपका जितना भी दिमाग में कुछ बातें हैं वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कुछ है तो आप कमेंट तो खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और पूछो, मैं बताऊँगा क्या है आपका क्वेरी और उसका आंसर क्या है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।